जिंदाबाद जिंदाबाद असुरा मुखिया संघ जिंदाबाद 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 नहीं तो चक्का जाम करो। गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज की ओर। जब देश को आजादी मिली थी तो गांधी जी ने कहा था, देश को सही मायने में आजादी तब हम मानेंगे जब गांव की सरकार जो है, गांव की सरकार खुद अपने से निर्णय लेंगे और जो भी राशि होगा अपने विकास में हम कैसे खर्च करें उसकी योजना वह खुद बनाएंगे। इसके लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है। तो सबसे निचले पैदान पर जो गाँव का पंचायत का काम देखते हैं, मुखिया देखते हैं, और मुखिया जी के खाते में, पंचायत के खाते में फंड आता है। लेकिन इस बार सरकार ने ऐसी स्थिति कर दी है कि आप पैसे के तो देखेंगे, पैसे आपके खाते में आएंगे, लेकिन खर्च कोई और करेगा, कोई और एजेंसी करेगा, किसी और को खर्च करने का अधिकार मिल गया है। हालांकि मुखिया को पहले अधिकार था कि वो पंचायत की विकास की योजना खुद बनाते थे, अपने वार्ड सदस्यों के साथ ग्राम पंचायत की सभा करते थे, ग्राम सभा करते थे और उन योजनाओं को खुद धरती पर उतारने का काम करते थे, जिससे जनता को भी सहूलियत होती थी कि मुखिया जी को क्या पता है कहाँ कितना खर्च करना होता है या उस राशि का कैसे उपयोग करें। पूरी आज़ादी थी। जहाँ तक जो ग्राम पंचायतें हैं लोकतंत्र में, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अधिकार क्षेत्र को धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। बिहार प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पे मुखिया लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलनरत है। उसी की कड़ी में आज 22 अगस्त को मुखिया संघ धरना पर बैठा हुआ है और यह औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड के मुखिया संघ है। सारे माननीय मुखिया यहां धरना पर बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, आखिर इनकी मांग क्या है और इस धरना के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं और आगे की रणनीति क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि बैनर लगा है मुखिया संघ मुखिया के अधिकारों में कटौती, लेकिन वास्तविकता है कि यह गरीबों का, वंचितों का, पिछड़ों का अधिकारों में कटौती किया जा रहा है। गांधी जी का जो पूर्ण स्वराज का संकल्प था उसको वर्तमान सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा लगा रहे हैं। जब छोटा छोटा काम, चाहे वह राशन कार्ड का काम हो, आवास का काम हो, नली गली का काम हो, जब पंचायत का भूमिका उसमें 100% हुआ करता था तो पब्लिक को उसका लाभ ज़्यादा मिलता था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इंदिरा आवास में मुखिया का कोई विशेष रोल नहीं है, केवल सर्वे होगा, सर्वे हो के चला जाएगा। अब उसमें आपको केवल क्या है, नाम काटना है। अरे, नाम जोड़ने का अधिकार दो ना, नाम काटने का अधिकार देते हो। नाम काटना कोई विकल्प नहीं ना है, जो वंचित है उसका नाम जोड़ने का अधिकार दो कि कौन आदमी है जिसको, जिसके, जिसका मिट्टी का घर है, गिरा हुआ घर है, उसको बरसों से नहीं बन रहा है, उसका नाम जोड़ने का अधिकार होना चाहिए, तो काटने का अधिकार है। राशन कार्ड में वही हाल है। देखिए, हम लोग को 17-18 महीना जीते हुए हो गया, लेकिन अभी तक बहुत, आप हमारे ही पंचायत के वासी हैं, देखे होंगे बहुत सारे वंचित लोग हैं जिनका हम लोग चाह के भी राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं, या पदाधिकारी के पास जाइए, सुनता ही लोग नहीं है। एक तरह से जो अफसरशाही को लोकशाही पर हावी किया जा रहा है। बिल्कुल, एकदम हावी किया जा रहा है। इसलिए हम लोग तब तक यह संघर्ष अपना जारी रखेंगे जब तक गरीबों पिछड़ों का जो अधिकार ग्राम पंचायत के माध्यम से पूर्व में दिया गया था उसको जब तक बहाल नहीं किया जाता है तब तक हम लोग अपना काम स्थगित रखेंगे और सरकार को हम लोगों के कार्यों प्रति मांग पर विचार करना पड़ेगा। हम लोग ऐसा नहीं है कोई अलग डिमांड मांग रहे हैं, जो सरकार ने हम लोगों को अधिकार दिया था उसी में जो कटौती किया है उसी को हम पुनर्बहाली के लिए हम लोग डिमांड रखते हैं। हम लोग कोई नहीं मांग रहे हैं कि हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, नहीं। हाँ, सब कुछ पंचायत सरकार भवन हम लोग के अधिकार में था। जब यहाँ था तो कहाँ बनना चाहिए, ठीक है, वो तो हम लोग सर्वे करा दिए, बढ़िया से होना चाहिए। एक बार सरकार हम लोगों से हटाई भी, दिया भी, जब फिर देखा कि उसकी गुणवत्ता में मेंटेन नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग को दिया, फिर सरकार बदला, फिर संगठन बदला, फिर चेंज कर दिया। तो ये सब है, सरकार को एक उचित निर्णय लेना चाहिए और ठोस निर्णय लेना चाहिए, या नहीं कि बार बार किसी चीज़ को आप लगाइए नल जल। अब बताइए आप ही, एक चापाकल PhD से दुरुस्त हो रहा है पूरे जिला में ना? पूरे न 202 पंचायत है, एवरेज 14 वार्ड है, इतना नल जल वो मेंटेन कर लेगा?
है उसके पास इतना कर्मी, चाह के भी नहीं कर पाएगा। हम लोग तो एक पंचायत था तो 14 वो पड़ रहा था, बटा हुआ ये मिल रहा था तो उसको मेंटेन कर रहे थे। अभी जाके देखिए कितना गर्मी में पानी की दिक्कत। चापाकल पहले किस मत से लगा बनाते थे आप लोग? हम लोग नहीं बना पाते थे मतलब चापाकल नया किस मत से लगाते? नहीं, हम लोग जब पूर्व में 1 से 11 में थे ना, उस समय चापाकल था। फिर वर्तमान में जब से नल जल योजना चालू हुआ, चापाकल हटा दिया गया। अब चापाकल आप पंचायत से नहीं लगाया जाता है, इसलिए सरकार का ठीक है वो तो मान लिया, उसमें हम लोग साथी हैं कि जब आप घर घर नल जल दे दिए तो चापाकल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अब नल जल से पहुंचाइए। लेकिन कह रहने का मेरा मतलब है कि आप एक चापाकल, यही टंकी पड़ा हुआ है दुरुस्त PhD से, बड़ा सा टंकी गड़ा है ना बरसों पहले, और नल जल देखिए। अगर मुखिया ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं कि 100% मुखिया जी के पास जो है वो सारा का सारा हम लोग कर दे रहे हैं, लेकिन अधिकतम करते हैं। लड़ाई अधिकतम की बात, लड़ाई जारी है। लड़ाई देखिए हम बता दे रहे हैं, चूंकि ग्राम पंचायतों से हम भी देखते हैं। बात यहाँ पर है कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली वाला बात हो गया है। जो पैसा केंद्र से राज्य से पंचायतों के लिए चलती थी और यहाँ के जो अथॉरिटी खर्च करती थी, उस पे अफसरशाही को हावी किया जा रहा है। मुखिया संघ का मिला जुला लबोलुभाव यही है। दूसरी बात यह है कि नल जल योजना के बारे में जैसा बता रहे थे, नल जल योजना जहाँ पर मुखिया और जो चुने हुए प्रतिनिधि अपने विवेक से काम किए हैं, वहाँ आप चल के देखिए मेरे साथ, वहाँ सारा का सारा नल जल योजना चालू है। और जहाँ अफसरों के द्वारा सुझाए गए एजेंसी से काम लिया गया है वह बंद है, यह जमीनी हकीकत है। यहाँ पर हमारे साथ है प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष महोदय हैं। अध्यक्ष महोदय से हम यह जानना चाहेंगे कि आगे की रणनीति क्या है मुखिया जी, आप कब तक यह चलेगा आंदोलन? एक दिवसीय धरना का उद्देश्य हम लोग का प्रखंड स्तर पर था और आगे हम लोग को जिला स्तर पर 29/8/2023 को होने वाला है। उसमें हम लोग काफ़ी संख्या में हम लोग पूरा वहाँ जिला को घेराव करेंगे। हम लोग को पूरा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आंदोलन जो करने का आदेश आया है उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और साथ ही साथ हम लोग मुखिया संघ का जो प्रताड़ित किया जा रहा है, आज हम लाइसेंस के हम लोग असुरक्षित हैं। हम लोग सभी मुखियागण, कितना मुखिया 25-20 को मुखिया पे मर्डर हो गया, उनके लिए कोई हथियार लाइसेंस सरकार ने वादा किया था कि लाइसेंस मुखिया जी को देंगे, लेकिन आज तक जैसे हम लोग ने कोई जाकर DM के यहाँ सारा चीज़ यहाँ से कर करके DM के यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई उस पर सुनवाई नहीं। तो सरकारें बदल गए जो वादा किए थे? वादा किया था, लेकिन फिर सरकार मंत्री तो मुख्यमंत्री तो ही ना है, मुख्यमंत्री तो दूसरे कोई नहीं ना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। सम्राट चौधरी जी आदेश दिए थे, वो भी जैसे अभी आए हैं कि कांग्रेस के हैं पंचायती राज मंत्री, वो भी जैसे कहे थे कि नहीं मुखिया जी को मिलना चाहिए, लेकिन आज तक हम लोग का सभी जा करके प्रक्रिया सर फोरफिल कर करके DM के यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक जैसे हम लोग का भी लाइसेंस नहीं दिया गया। हम लोग को जान का भी खतरा है, कहीं कहीं रात बिरात सगरू हम लोग को घूमने पड़ता है। हम लोग एक प्रतिनिधि हैं, हर तरह के बात को सुनने पड़ता है, इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हम लोग को भी हथियार का लाइसेंस जल्द मुहैया कराए कि हम लोग जैसे अपना सुरक्षा के दृष्टि से हम लोग बचें। मुखिया संघ का जो सुरक्षा का मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, लगातार मुखिया तो टारगेट पर है ही, लेकिन यहाँ जैसा पता है कि महिला आरक्षण है और खास करके उनके महिला मुखिया के पुत्र पति सब पे लगातार हमले हो रहे हैं, यह बिहार की जमीनी हकीकत है। लेकिन मुखिया संघ, जैसा मुखिया जी ने बताया कि यह लड़ाई गरीब गुरबों का है, हक सिर्फ मुखिया का नहीं मारा जा रहा है, पूरे ग्रामीण जनता का, गरीब गुरबों का हक मारा जा रहा है। लेकिन मुखिया संघ से हम यह मतलब जानना चाहेंगे कि आपका एक महत्वपूर्ण अंग है वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्यों के की मांगों को भी आप लोग उठा रहे हैं कि वार्ड सदस्य को अलग से छोड़ दिए हैं? ना, हम लोग नहीं, बिल्कुल वार्ड सदस्यों के मांग को उठाया जा रहा है। अगर सरकार जो 15वीं में हम लोग को 70% पैसा देती है, अगर उसको बढ़ा के 100% कर दिया जाता है, तो हम लोग स्वेच्छा से 30% वार्ड के कार्य में देने का कृपा करेंगे। और जो अभी का सबसे बड़ा कष्ट है पंचायतों में, लोगों को हम लोग आश्रय दे के आए थे कि हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, जनता की अपेक्षा थी, लेकिन उनके एक भी अपेक्षा पर हम लोग खरा नहीं उतर रहे हैं। जवाबदेही तो मुखिया पे बनती है ना कि कार्य क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार हर माने अधिकार में कटौती कर रही है। पता ही कबीर अंत्येष्टि योजना, इतना गरीब लोग मरता है, कहाँ पैसा किसको मुखिया को घर से देना पड़ रहा है। राशन कार्ड जो गरीबों का नहीं है उसको हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। आवास योजना में मनमानी है, किसको वो सर्वे करके नाम दे रहा है, मुखिया कोई अधिकार नहीं है। जो पहले से मुखिया के अंदर में आ रहा था वो मुखिया को ही देना चाहिए। इसी के लिए हम लोग की लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। तो मांग
जी आपको कुछ कहना चाहते हैं? वार्ड सदस्य का जो नल जल का योजना जो केंद्र समिति था, हम लोग को मांग है कि उसी को दिया जाए, कि वार्ड भी जितना प्रतिनिधि बन के आया है वो भी अपना काम करेंगे, जो पहले जो था वार्ड लोग का वो सरकार उसको मुहैया कराए, हम लोग उसके साथ, हमारा वो एक अंग है, वो भी नल जल था, अपना काम करता था, कहीं भी जैसे थी तो कहीं टकराव की स्थिति नहीं होती थी। अभी जो स्थिति है थोड़ा सा उपेक्षित महसूस करते हैं। ये बिल्कुल का है, पेमेंट हम लोग को मांग किया है, हम लोग को भी मुखिया लोग का 10,000 किया जाए, वार्ड को भी हम लोग कहे हैं कि 5,000 किया जाए, उप मुखिया जो है उनको 7,000 किया जाए, मतलब हर चीज में हम लोग उनको वार्ड लोग के साथ को लेकर के चल रहे हैं, किसी तरह का हम लोग को टकराव नहीं है। जो सुनने में आया जो इनका दर्द यह है कि मुखिया जो होता है ग्राम पंचायत स्तर पे होते हैं और अपने उपभोक्ता जिसको कहते हैं कि जो इनको जिताए हैं उनसे हमेशा संपर्क में रहते हैं, जाहिर सी बात है कुछ वादा करके आते हैं, कुछ ललक होती है कुछ विकास करने का, कुछ काम करने का, और उस ललक को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के नीतियों के कारण जो एक रूपरेखा पंचायत के विकास के लिए इन्होंने बनाया था, जो वादा करके जीत के आए थे, वह वादा पूरा होता नहीं दिख रहा है। इस कारण मुखिया संघ, मुखिया लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और खास करके बड़ी बात है कि इनकी सुरक्षा को लेकर भी, अपनी सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी चिंतित है। अपनी लड़ाई में वार्ड सदस्यों की लड़ाई भी शामिल किए हुए हैं, और मेरी अपेक्षा है सरकार से और कि मुखिया संघ के जो भी जायज मांग है उसे मान लिया जाए। मैं अभय कुमार।